बदनावर के प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित श्री पंच पुष्प शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन भी भारी संख्या में श्रोताओं की भीड़ देखने को मिली। कथा के तीसरे दिन शमी पुष्प के महत्व को बताया गया। वहीं इस कथा के पश्चात राज्य मंत्री राजेश अग्रवाल, पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम के साथ अन्य लोग आरती में शामिल हुए। बदनावर धार मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शरद सिसोदिया परिवार द्वारा आयोजित पंच पुष्प शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन भारी संख्या में श्रोताओं की भीड़ देखने को मिली। इस कथा का आयोजन स्वर्गीय शिव कुमार सिंह सिसोदिया एवं ओम प्रकाश पांडे की स्मृति में कराया जा रहा है। इस कथा का आयोजन उक्त प्रवचन ख्याति प्राप्त कथावाचक प्रदीप मिश्रा के मुखार बिंदु द्वारा कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कथा के तीसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शमी के पुष्प का महत्व बताया गया, साथ ही शमी के पुष्प के बारे में पूर्ण वर्णन किया गया। इस कथा के तीसरे दिन निजी विद्यालय संघ के संचालनगण, प्रशासनिक अमला आदि ने मंच पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा से आशीष प्राप्त किया। इसके साथ ही कथा के पश्चात राज्य मंत्री राजेश अग्रवाल, पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम, मनोज सिंह गौतम, कमल सिंह पटेल के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बदनावर से अनूप जायसवाल की रिपोर्ट।